ट्यूबवेल को भी हमने वापस नई लाइफ मिल गई रिचार्ज के हिसाब से। और दूसरी बात है क्वालिटी, जहाँ तक क्वालिटी का प्रश्न है, इसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी क्योंकि हमारे जितना पहले आर ओ में जो हमको एम से करवानी पड़ती थी, जितना फ्रिक्वेंटली वो खराब होता था, उसमें कमी आ रहा। तो ये एक आप इनडायरेक्टली ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर आर ओ की लाइफ बढ़ानी है तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली इससे टी डी एस भी कम हुआ। हाँ बिल्कुल निसंदेह, तो टी डी एस कम हुआ तो आर ओ की लाइफ इम्प्रूव हुई। ठीक, तो आप पब्लिक को क्या संदेश, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि हर एक भारतीय को अपना एक नैतिक दायित्व समझ करके और वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए, और सरकार को इसके लिए बाध्य करना चाहिए। इसलिए बाध्य करना चाहिए कि वो सुगमता से ये वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाने के लिए एजेंसियाँ रखे और मापदंडों के आधार पर जो इस तरह के सिस्टम को लगाए हर एक के लिए, हर व्यक्ति के लिए, खाली खाना पूर्ति ना हो। हाँ, खाना पूर्ति नहीं। ठीक बात है। तो आपका सिस्टम से कितने साल पुराना हो गया लगभग? ये हमने चार साल हो गए। चार साल से आपको टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं या हमको बहुत कम मंगाने पड़ रहे हैं? जैसे इस बार केवल हमने दो टैंकर ही मंगाए अभी तक, जबकि हमको पहले तो हमारे को हर महीने सितंबर के बाद में टैंकरों की आवश्यकता फेल हो गई उस समय, और पानी नहीं आया था और किसी कारण से मोटर वगैरह का कनेक्शन नहीं होता, तो इसलिए। तो गवर्नमेंट को भी कोई आर्थिक सहयोग देना चाहिए? बिल्कुल, आर्थिक सहयोग उपभोक्ता भी देना चाहिए और जो एजेंसी लगा रही है उनको भी पूरा सहयोग देना चाहिए इसमें, ताकि वो अच्छी तरह से अपना क्वालिटी वर्क कर सके। ठीक, दरअसल आपने समय दिया इस नए काम के लिए और रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।